नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लव और बहुत ठंड है दिल्ली में। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपके सिटी में कितनी ठंड है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इंस्टाग्राम टिप के बारे में, जो बहुत सॉफ्टवेयर आपसे एक्चुअली पैसा लेगा यही चीज़ बताने के लिए, पर आप ये चीज़ खुद जान सकते हो। वो है, आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि जब भी आप कोई इंस्टाग्राम पोस्ट या वीडियो डालते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेस्ट टाइम ऑफ द डे है या फिर बेस्ट डे ऑफ द वीक है उसको पोस्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ये क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली क्योंकि आप चाहोगे कि आपका फोटो या वीडियो तभी इंस्टाग्राम में पब्लिश हो जब मैक्सिमम ऑफ योर सब्सक्राइबर्स और मैक्सिमम लोग जनरली इंस्टाग्राम में ऑनलाइन रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर एक सेकेंड इतनी फोटोज इतने वीडियोस पब्लिश होते हैं कि आप अगर ऐसे टाइम पे डालोगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुबह इंडिया की एकदम सुबह 3 या 4 बजे, जब आपको पता है कि ज़्यादातर लोग शायद सो रहे होंगे, तो जब तक लोग उठेंगे और जब तक लोग अगर 5 मिनट बाद भी लॉग इन करें तो आपके फोटो एकदम नीचे चला जाएगा, क्योंकि उस 5 मिनट पता नहीं कितने हजारों फोटोज इंस्टाग्राम में पब्लिश हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्री में और इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप में से आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपका फोटो या वीडियो दिन के किस टाइम आपको पब्लिश करना चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या तो क्रिएटर या तो बिजनेस अकाउंट हो। आप सेटिंग्स में जाइए और फिर अकाउंट में, और आप देखेंगे कि स्विच टू पर्सनल अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट होता है तो वो बिजनेस अकाउंट होगा। अब बिजनेस अकाउंट में आप इनसाइट को क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 3 टैब्स होते हैं, कंटेंट, एक्टिविटी और ऑडियंस। आज हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात करेंगे और वो है लास्ट में फॉलोअर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 PM, 9 PM, 6 AM, ऐसा 9 PM में सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं, लगभग 178, 175 ऐसे। तो ये है दिन के किस टाइम पे, वहाँ पे आप यहाँ पे पूरे वीक के कौन से दिन आप देख सकते हो संडे में सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं। अब हम दूसरे अकाउंट में जाते हैं हमारे और हम चेक करते हैं कि बाकी तरह के अकाउंट्स में कैसे होते हैं। अब देखिए ये पर्सनल अकाउंट है, तो अब यहाँ पे जाओगे तो आपको इनसाइट नहीं दिखेगा, राइट? नाउ वी विल गो एंड चेंज दिस पर्सनल अकाउंट टू क्रिएटर अकाउंट। तो आप अकाउंट में जा सकते हैं और फिर क्रिएटर अकाउंट बनाएं, जो भी अपना कैटेगरी वगैरह हो वो सब डालें, ब्लॉगर ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मेरा क्रिएटर अकाउंट बन गया। अब क्रिएटर अकाउंट में भी आप देख सकते हो इनसाइट वाला टैब है, सेम आप ऑडियंस पे जाइए और लास्ट वाले सेक्शन में फॉलोअर्स पे आप देख सकते हो सेम चीज़। यहाँ पे इस वाले अकाउंट में मैं देख रहा हूँ कि 6 PM ज़्यादा इंगेजमेंट है पर डे के हिसाब से, देखिए कभी 6 PM है कभी 9 PM है, डे के हिसाब से सैटरडे ज़्यादा इंगेजमेंट है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा टिप, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसे टिप्स और जानना चाहोगे फ्यूचर में। ये तो सिर्फ एक सेक्शन है इनसाइट के, बट देन बाकी सेक्शन से भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और यू कैन इंक्रीज योर फॉलोअर्स एंड इंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट। थैंक यू।